हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत मेरे चैनल में। अभी शाम का समय हो रहा है, शाम के 4:30 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ अपने बच्चों को ट्यूशन से लाने के लिए। मेरे बच्चों का छुट्टी 4:30 बजे होता है और ये देखिए फील्ड में कितने सारे पौधे निकल गए हैं बारिश होने के बाद, तो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। लेकिन बच्चों को खेलने में परेशानी होती है अब पौधे निकल जाने से। ऐसे पहले वो अच्छे से खेलते थे यहाँ पर। ऐसे ये फील्ड नहीं है, ये खाली प्लॉट है, लेकिन बच्चों ने इसको फील्ड की तरह बना रखा है। यहीं पे वो क्रिकेट फुटबॉल जो भी खेलना होता तो खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, लेकिन अभी उनको थोड़ी परेशानी होती है खेलने में। तो क्या कर सकते हैं, अब जो है उसी से काम चलाना पड़ता है बच्चों को, या तो फिर रोड पे खेलना पड़ता। तो देखते हैं, और कोई जगह नहीं है खेलने का। और मेरे बच्चों की देखिए छुट्टी हो गई थी, तो मैं इनको घर वापस लेकर जा रही हूँ। और दोनों बच्चे एक ही बैग में अपना कॉपी किताब लेकर आते हैं और जाते हैं, क्योंकि आज इसने अपना बैग फाड़ दिया है। तो अभी मैं इसको दूसरा बैग नहीं दिलवाई हूँ, जब स्कूल खुलेगा ना तब दिलवाऊँगी। अभी तो गर्मी छुट्टी चल रही है, तो फिलहाल जो है उसी से काम चला रही हूँ। तभी घर हम लोग पहुँच गए हैं और अब मैं बैठ गई हूँ बाल में तेल लगाने के लिए। सुबह मैंने बाल धोया था तो तेल नहीं लगाई थी, मैंने सोचा मैं शाम को लगा लूँगी आराम से। तो अभी मैं बैठ कर आराम से तेल लगा लेती हूँ बालों में अपने। तो अभी मैं अपने बालों में तेल लगा ली हूँ और अपने चेहरे को साबुन से धो लेती हूँ, क्योंकि बालों में तेल लगाने के बाद ना चेहरा पूरा चिपचिपा सा हो जाता है। और वैसे भी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि चेहरा पूरा झुलस जाता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मेरा चेहरा तो कुछ ज़्यादा ही झुलस गया है। मैं वो दूसरी मंजिल पर रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेरा रूम गर्म हो जाता है, जिस कारण से पूरा चेहरा मेरा झुलसा सा दिखता है। और मैं कुछ ज़्यादा यूज भी नहीं करती हूँ, थोड़े बहुत होम रेमेडी ही यूज करती हूँ, तो उससे उतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि वो सब जो चीज़ें हैं ना, वो मतलब रेगुलर हमेशा यूज करते रहेंगे तभी जाके फ़र्क पड़ता है। और मैं हमेशा नहीं यूज करती हूँ, बीच बीच में सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार इस तरह से यूज करती हूँ, तो उतना मेरे चेहरे पर फ़र्क नहीं पड़ता है। हालाँकि ठीक है, पहले से अगर ना यूज करूँ उससे तो खैर अच्छा ही है। और तभी मैं मुँह धो ली हूँ और अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ। तो बाहर ही मैं कंघी कर लूँगी, क्योंकि मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो अगर घर में करूँगी ना कंघी तो फिर बहुत सारे बाल वहाँ पे फिर गिर जाएंगे। तो बाहर कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अंदर बैठ कर छोटी बना लूँगी। तो अभी मैं अपने बालों में अच्छे से कंघी कर ली हूँ और अब मैं अपनी छोटी बना लेती हूँ। बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने उनको नाश्ता दे दिया है, दोनों बच्चे नीचे बैठ कर नाश्ता कर रहे हैं। और मैं अपनी छोटी बना लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ।
तो ये देखिए अभी मैं तैयार हो गई हूँ। तो बस सिंपल सी चोटी बना ली हूँ और सिंदूर और बिंदी लगा ली हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं की हूँ, क्योंकि अभी गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि कुछ भी एक्स्ट्रा करने का मन नहीं करता है, सिंपल ही रहने का मन करता है। वैसे भी मुझे सिंपल ही रहना पसंद है, आप तो मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, मैं हमेशा से ऐसे ही तैयार होती हूँ। और मैं आपको ना अपनी चोटी दिखा रही थी कि देखिए मेरी चोटी कितनी पतली हो गई है, मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं, मैं बहुत ही परेशान हूँ अपने बाल झड़ने के कारण से, पता नहीं कब ठीक होगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे बाल हमेशा से ऐसे थे, पहले तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन अभी कुछ सालों से मेरे बाल इस तरह से हो गए हैं, क्योंकि झड़ना रुकता ही नहीं है। मैं कितना भी कुछ भी यूज कर लेती हूँ लेकिन झड़ना रुकता ही नहीं है मेरे बालों का, और होम रेमेडी भी यूज करती हूँ फिर भी झड़ना नहीं रुकता है, पता नहीं कब रुकेगा, जब रुकेगा तभी अच्छा दिखेगा मेरा बाल। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो गए हैं खेलने के लिए, तो शाम के टाइम में सभी बच्चे इकट्ठा होकर यहाँ पे खेलते हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं और फील्ड में भी जाते हैं खेलने के लिए, लेकिन फील्ड की स्थिति तो मैंने आपको दिखाई दिया है, बहुत सारे झाड़ निकल गए हैं, तो वहाँ पे बच्चों को खेलने बनता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा चिकना है ना, तो यहाँ पे बच्चे अच्छे से खेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि गाड़ियाँ आते जाती रहती है, रोड है ना इस कारण से। और देखिए यहाँ पे आयशा अपनी सहेली के साथ खेल रही है, उसको भी अच्छा लग रहा है अपनी सहेली के साथ खेलकर, और आयशा अपने दोस्त के साथ खेल रहा था। और मैं जा रही हूँ दुकान, मुझे कुछ सामान लाना है, तो मैं फटाफट से जाती हूँ और दुकान से सामान लेकर आती हूँ। तो अभी मैं दुकान से सामान लेकर के आ गई हूँ और अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो रात के खाने में आज बनाऊंगी भिंडी की सब्जी, तो भिंडी मैंने काट लिया है और अब मैं प्याज काट रही हूँ तड़का लगाने के लिए। और मेरे दोनों बच्चे नीचे खेल रहे हैं, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, तो थोड़ी देर के बाद मैं उनको बुला लूँगी जब अंधेरा होने लगेगा, तो अभी मैं उनको खेलने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खेलना भी ज़रूरी रहता है, इतनी गर्मी पड़ती है तो सारा दिन तो घर में ही बच्चे रहते हैं, तो शाम के टाइम में ही बच्चों को थोड़ा सा खेलने मिलता है, तो अभी मैं उनको खेलने दे दी हूँ और मैं इधर तब तक रात के खाने की तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। अभी सब्जी बनाने के लिए मैंने तड़का लगा दिया है और अब मैं साथ में मसाले भी पीस लेती हूँ और इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।